लाहौर न्यूज़ फटाफट आप जान चुके, आगे बढ़े और आपको बताएं गिलगित बल्तिस्तान इस्लाहात का मामला। कायद हिज्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली के इंतखाबी इस्लाहात के लिए बुलाया गया इजलास मुस्तरद कर दिया है। मजीद तफसील जानने के लिए लियाकत अंसारी से। जी लियाकत बताइए इस हवाले से। बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन इस्लाहात के मामले पर स्पीकर कौमी असम्बली और वफाकी वजीर की जानब से जो है वो एक इजलास तलब किया गया था, जिसके लिए तमाम सियासी जमातों को दावतनामे भेजे गए थे। बिलावल भुट्टो इसमें ना शिरकत करने का पहले ही ऐलान कर चुकी हैं और अब मुस्लिम लीग के कायद अपोजिशन कौमी असम्बली शहबाज शरीफ ने भी जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली का तलब करता इजलास मुस्तरद कर दिया है। और शहबाज शरीफ ने इस हवाले से मौकफ इख्तियार किया है कि स्पीकर कौमी असम्बली को कोई इख्तियार नहीं कि वो गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी अमूर में मुदाखलत करे। पीपल्स पार्टी भी इसको मुस्तरद कर चुकी है, मुस्लिम लीग भी इसको मुस्तरद करती है और गिलगित बल्तिस्तान एक हसास कौमी मामला और कश्मीर कौज से जुड़ा हुआ है। मौजूदा हुकूमत इसे अपनी सियासी भेंट की सियासत की भेंट ना चढ़ाए। शबाशी ने वाजे कहा कि वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में शफाफ और आजादाना इंतखाबात के अमल में रुकावट ना बने। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका लियाकत अंसारी, आप हमें अपडेट कर रहे थे।